हाय फ्रेंड्स, मैं अपर्णा। स्वागत है आपका बोलेज किचन में। आज हम दाल चावल की बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और फूली फूली इडली बनाएंगे, और वो भी मेथी दाना और सोडा डाले बगैर। चलो तो फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल चावल भिगोएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है। इसमें हम डालेंगे एक कटोरी उड़द दाल। तो इसी कटोरी से हमें 3 कटोरी चावल लेने हैं। तो आप घर में की कौन सी भी कटोरी या कप ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इडली बनानी हो तो आप इससे बड़ी कटोरी ले सकते हो। तो इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राशन के चावल लिए हैं। इससे हमारी इडली बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास ये चावल नहीं है तो आप कौन से भी चावल ले सकते हो। अब हम इसमें पानी डालेंगे और ये दाल चावल अच्छे से 2 या 3 बार धो लेंगे, ताकि इसमें जो भी पाउडर वगैरह लगा होगा वो सब निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बार ये दाल चावल अच्छे से धो लिए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी पोहे। तो हमने जिस कटोरी से दाल चावल लिए थे उसी कटोरी से हमें 3 कटोरी पोहे लेने हैं। आप चाहो तो ये पोहे भी वॉश करके डाल सकते हो। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा डालना है, ताकि ये दाल चावल और पोहा अच्छे से भीग जाए। पानी डालने के बाद हम ये दाल चावल और पोहे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पे ढक के 8 से 10 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। अब 8 घंटे के बाद ये दाल चावल और पोहा अच्छी तरह से भीग चुके हैं। आप देख सकते हो फूल करके बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो अब हम इसमें का पानी निकाल लेंगे और इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो मिक्सी में पीसते वक्त हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दाल चावल और पोहे में का पानी निकाल लिया है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है। तो इसी पानी के साथ हमें दाल चावल और पोहे मिक्सी में पीस लेंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा का पानी नहीं डालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें इस तरह से इडली का थोड़ा सा गाढ़ा और दरदरा बैटर बनाना है। तो अब हम ये बैटर एक पतीले में निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी दाल चावल और पोहे का बैटर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी दाल चावल और पोहे का इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा और दरदरा बैटर बना लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। हमें ये बैटर ना इससे ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना इससे ज़्यादा पतला चाहिए। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच नमक और फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इस पे ढक के 6 से 7 घंटे या रात भर फर्मेंट करने के लिए रख देना है। अभी तो गर्मियाँ है, लेकिन आपको जब सर्दियों में इडली बनानी हो तो आप इस बैटर को किसी गर्म जगह पर रख सकते हो। जैसे कि अगर सर्दियाँ हो तो थोड़ा सा गर्म पानी करके आप इस बैटर के पतीले को उसमें रख सकते हो। या फिर आपके घर में अगर धूप आती हो तो यह बैटर का पतीला आप 1-2 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हो, जिससे कि यह बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। और हाँ, ये बैटर फर्मेंटेशन के बाद बहुत ज़्यादा फूलता है, इसलिए यह बैटर फर्मेंट करते वक्त किसी बड़े डिब्बे में या किसी बड़े पतीले में रखना है। तो मैंने यहाँ पे ये बैटर कल रात को ही एक बड़े पतीले में निकाल लिया था। पतीला इतना बड़ा है, फिर भी आप देख सकते हो ये बैटर ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैटर एक छोटे पतीले में निकाल लिया है। आप देख सकते हो इसमें कितनी अच्छी भाप जमी है और ये बैटर कितनी अच्छी तरह से फूला है या कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से हमें ये बैटर मिक्स कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्मेंटेशन के बाद हमारा ये इडली का बैटर बहुत ही हल्का हो गया है, और इससे हमारी इडली बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार होगी। तो मिक्स करने के बाद हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, न पानी न सोडा, कुछ भी नहीं। अब ये बैटर हम सीधा इडली प्लेट्स में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे इडली प्लेट्स ली है। तो पहले इडली प्लेट्स को हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ताकि हमारी इडली अच्छे से निकल आए।
तो मैंने यहाँ पे सभी इडली प्लेट्स को अच्छे से तेल लगा लिया है। अब ये बैटर हम इडली प्लेट्स में डाल देंगे। बैटर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इडली प्लेट में, इडली फूलने के लिए थोड़ी जगह रखनी है। तो इसी तरह से हम ये बैटर सभी इडली प्लेट्स में डाल देंगे। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप स्टील के कटोरी में भी बहुत अच्छी तरह से इडली बना सकते हो। कटोरी को पहले थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और उसमें इडली का बैटर डाल के हम जैसे इडली स्टीम करते हैं वैसे ही इडली स्टीम कर लीजिए। अब ये इडली प्लेट्स हम इडली स्टैंड में लगा देंगे और देखिए हमें इडली प्लेट्स इस तरह से इडली स्टैंड में लगा देने हैं। नीचे की इडली की भाप इन होल में से ऊपर निकल जाती है और हमारी इडली गीली नहीं होती। तो हमारी इडली गीली ना हो इसीलिए हमें इडली प्लेट्स इस तरह से इडली स्टैंड में लगा देने हैं और इडली स्टीम करनी है। तो इडली स्टीम करने के लिए अगर आपके पास इडली कुकर हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो इस तरह से एक बड़े पतीले में भी आप इडली स्टीम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पतीले में 1 गिलास पानी गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये इडली स्टैंड रख देंगे और इस पे ढक के हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक ये इडली स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट में इडली अच्छे से स्टीम हो जाती है। अगर 10 मिनट के बाद भी इडली थोड़ी गीली लग रही हो तो फिर 2-3 मिनट और इडली स्टीम कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे पतीले का ढक्कन खोला है और आप देख सकते हो उंगली पे इडली का बैटर नहीं चिपक रहा। इसका मतलब हमारी इडली बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली बन गई है। अब हम यह इडली स्टैंड पतीले में से बाहर निकालेंगे और इडली थोड़ी ठंडी कर लेंगे। इडली थोड़ी ठंडी हो जाने के बाद हम इडली प्लेट्स में से इडली निकाल लेंगे। तो हमारी इडली अब ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इस तरह से चम्मच की सहायता से इडली प्लेट्स में से इडली निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही जालीदार सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बन के तैयार हुई है, और वो भी राशन के चावल से बिना मेथी दाने और सोडा डाले बगैर। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये इडली टूट रही है और बहुत ही सॉफ्ट बन गई है। तो आप ये इडली ज़रूर बनाइए, बहुत आसान रेसिपी है। और इडली बनाने के बाद मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी इडली कैसी बनी थी। और आज जैसे हमने बिना मेथी दाने और बिना सोडे की इडली बनाई है उसी तरह से हम अगले वीडियो में एक भी सब्जी डाले बगैर होटल जैसा सांभर और चटनी कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। और ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी और आसान रेसिपी के साथ। तब तक मस्त खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।